वालेकुम। तो मैंने कबूतरों को अभी बोला क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो सब पिंजरे के अंदर बहुत तेज़ से धूप जा रहा था, तो बस को जो है प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उसको ढक दिया था। और अभी मैंने खोला है और कबूतरों को भी मैंने बाहर खोल दिया है। अभी इनका पानी का प्याला जो बाहर रख देंगे ताकि ये लोग जो इनको जिसको नहाना होगा वो नहा भी लेगा। और जो मैंने पिछले हफ्ते कुछ एक लवबर्ड का पेड़ जो मैंने सेपरेट किया था उसमें, तो उसके जो मैंने अंडे जो दूसरों में फॉस्टर किए थे ना, तो उसमें से माशाल्लाह से दो दो बच्चे निकल करके आ गए। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे। और एक बच्चा कबूतर का भी निकल के आया है जिसमें भी मैंने उसका अंडा दूसरे में डाल दिया दूसरे का, उसमें से माशाल्लाह बच्चा निकल करके आ गया है। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि माशाल्लाह से बच्चा जो है निकल के आया है। दो दिन हो गया इसको निकले हुए, मैंने सोचा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आपको मैं दिखाऊँगा। ये जो बच्चा जो है वो इसमें का था, इसमें जो अंडा था वो मैंने इसमें डाल दिया था ना, तो ये वाला बच्चा है। और अभी इसमें का बच्चा निकलना बाकी है, इसमें का बच्चा निकलना भी बाकी है, और एक ही पैर जो इधर है उसमें का भी बाकी है। बाकी इसने भी एक अंडा दे दिया माशाल्लाह से। इसमें जो दो अंडे डाले थे, एक अंडा जो मैंने बताया था कि इसमें पड़ गया एक्स्ट्रा पड़ा था वो मैंने डाल दिया था, और एक अंडा मैंने बताया था कि वहाँ ऊपर रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया था। तो इन दोनों की भी मैं आज कैंडलिंग करूँगा। मैंने बीच में भी एक दो दिन पहले की थी, तो एक में तो बच्चा दिख रहा था मेरे को और एक में नहीं दिख रहा था, तो जिसमें नहीं था उसको फिर से एक बार चेक करेंगे, और अगर उसमें बच्चा होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो फिर मैं उस अंडे को हटा दूँगा ताकि जिसमें बच्चा है उसको ही अच्छे से फीमेल जो है इंक्यूबेट कर पाए। और जो सेंटिनेंट वाला पेयर है वो भी माशाल्लाह से अपनी नस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने पूरा, मतलब बार बार यहाँ से नस्टिंग मटेरियल उठाता है और लेकर के जाता है, वहाँ फीमेल को सेट कर रही है। दो दिन से मैं ये देख रहा हूँ सेट कर रही है, तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अंडे बच्चे करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि जो मैं एक अंडा बता रहा था यहाँ पे वो हो सकता है कि सेंटिनेंट वाले का ही हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि बगल बगल में दोनों का है, तो हो सकता है इसमें उसे दे दिया हो, क्या मालूम। अब जब बच्चा निकलेगा तो ही पता चलेगा अपने पे। जिसमें मैंने अंडा फोस्टर किया था वो वाली कॉर्नर वाली मटकी है, तो उसमें दो बच्चे हैं, और इसमें जो है इसी वाले पेयर के बच्चे हैं। इसमें कुछ मैंने अंडे इसके भी डाल दिए थे, लेकिन वो क्या है कि ख़राब हो गए वो, और जो इसके थे वो माशाल्लाह से निकल करके आए। और एक बच्चा बहुत पहले ही छोटा सा एक्सपायर हो गया था, जब निकला था तभी एक्सपायर हो गया था वो। बाकी वो तो दो फीमेल हैं, उनके लिए मेल लेकर के आएंगे इंशाल्लाह, तो उनको भी सेपरेट कर देंगे। अब इनको भी मैं सेपरेट कर दूँगा अभी तो नहीं, अगले सीज़न में। और इनका भी बच्चा आपको दिखाते हैं, और इनका भी बच्चा भी आपको मैं दिखाता हूँ। अल्लाह से ये जो है रिंग वाले बच्चे हैं सब, और ये इनकी जो है फीमेल बैठी हुई है इसमें, माशाल्लाह सब हेल्दी भी दिख रहे हैं। और अभी जो नॉन रिंग वाले वो देख लेते हैं। इसमें आपको बच्चा दिख रहा होगा दो या तीन, मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ तो इस वजह से मेरे को सही से दिख नहीं रहा। अभी दो दिख रहे हैं मेरे को तो, और एक अंडा भी दिख रहा है इसमें, तो इंशाल्लाह उसमें से बच्चा निकल करके आएगा। मैंने आपको दो बच्चे दिखाए, तो जब मैं वीडियो बनाने के बाद मैं उसको खुद देख रहा था, तो मुझे देखने में लगा कि एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया है। फिर मैंने उसको बाहर निकाला और वाकई में जो है वो ये वाला बच्चा एक्सपायर हो गया है, और माशाल्लाह बड़ा भी हो गया था। अभी जो मैंने पिछले हफ्ते आपको एक पिंजरा दिखाया था जिसको मैंने बोला था कि ज्वाइन करना बाकी है, तो उसको मैंने पूरा सेट कर लिया है और मैंने कॉलोनी के अंदर लगा भी दिया है। लेकिन जो मेरे को पेयर सेपरेट करना था वो मैं उसको अभी नहीं करूँगा, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो अभी मतलब खुद से बहुत कम खाते हैं, कुछ बच्चे जो वापस से मटकी में चले जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेट करूँगा, और अगले हफ्ते मैं एक नहीं दो पेयर जो मेरे बच्चे हैं मैं दोनों को इंशाल्लाह सेट कर दूँगा, क्योंकि दोनों के बच्चे जो है मटकी से बाहर आ जाते हैं और फिर अपना थोड़ा बहुत खाते पीते, थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स भी उनको खिलाते हैं, फिर वापस से वो जो अपनी मटकी में चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं उनको अभी अलग नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अगर अलग कर दिया तो फिर हो सकता है बच्चे खुद से खा ना पाए, और मैंने जो इतनी मेहनत की वो सारी फिर वो जो ज़ाया हो जाएगी। तो इस वजह से मैं अभी एक हफ्ता या हो सकता है कि एक और दो हफ्ते मैं उसको वेट करूँ। बाकी जो सामने वाले सेंटर में है वो वाला पिंजरा मैंने लगा, जिस पर सारे बैठे हुए हैं लवबर्ड, वो वाला मैंने लगाया है अभी, कल उसको सेट किया, मट्टी भी सब लगा दी है, पानी वाला भी रख दिया है और दाने वाला भी रख दिया। दाने में तो दाना भी मैंने डाल दिया है, पानी वाले बस पानी डालना बाकी है और पेयर डालना बाकी है अभी, तो अभी तो वो ऐसे ही रहेगा। और बाकी सारे अपने पेयर हैं, तो दो पेयर जो ये बचे हुए हैं ये, तो इंशाल्लाह इनके जब बच्चे थोड़ा सा एक दो हफ्ते बाद मैं निकाल करके दोनों पेयर डाल दूँगा, इसमें एक पेयर इसमें डाल दूँगा और एक पेयर वाला जो जगह खाली है वहाँ पर,
तो वहाँ पे मैं लगाऊंगा और वहाँ पे मैं डाल दूंगा। मैं आपको अंदर जाके इसलिए नहीं बताया क्योंकि बार अभी बिल्ली बगल में यहाँ पे आई हुई है और वो बार बार जो मुर्गे जो है वो अपना मतलब डरते तो आवाज़ निकालते हैं। तो कबूतर को तो इतना कोई टेंशन नहीं, एक आध कबूतर जैसे एक कबूतर ये है और जैसे वो बच्चा बैठा है वो है, क्योंकि इसका तो पर ही नहीं है, मैंने अभी काट के रखा हुआ है और उसका तो अभी सही से पर निकला भी नहीं है। तो नहीं, मैंने एक बच्चा रखा था वहाँ पे तो वो वाला है, बस इनका टेंशन है और मुर्गा मुर्गियों का टेंशन है क्योंकि मुर्गा मुर्गी तोड़ नहीं सकते, बाकी बिल्ली अगर आएगी तो कबूतर तोड़ भी जाएंगे, तो इस वजह से मैं उसके अंदर नहीं कि आपको बाहर ही से मैंने बता दिया। अभी टाइम हो गया खाना डालने का, तो खाना डाल देते हैं। ये मैंने बना लिया था और इसमें होल कर लिया है ताकि ऐसे ऐसे करते हैं चला जाता है। अब पैकेट में उसको फिर खोलो और फिर कभी कभार होता है ये खोलने में जो वो गिर जाता है पैकेट से, दाना बहुत ज़्यादा ज़मीन पे गिर जाता है, ज़्यादा पानी के अंदर चला जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से इसमें जो आसानी रहती है अपना ऐसे ऐसे कर दिया और जितना डालना होता है मैं डाल लेता हूँ उसमें, तो मछलियाँ अपना आके खा लेती हैं। जो फीमेल का मैं बता रहा कि इसका मैंने अभी पर जो है काट के रखा हुआ है, तो इसका पूंछ माशाल्लाह से निकल रहा है, जिसको मैंने नोच दिया था, मैंने बोला था कि इसमें मतलब कीड़े होगा जिस वजह से मैंने नोच दिया था, तो अभी इसका पूंछ जो है वो निकल रहा है और पर तो अभी नहीं निकलेगा, पर तो इसका जब ही निकलेगा, जब मैं या तो उसका पर मैं नोच दूंगा तब निकलेगा या जैसे नेचुरल गिरता है जब अपने हिसाब से तब निकलेगा, वो कटे वाले पर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कबूतर को बंद करने लगूंगा तो इस वाले अंडे की इसकी कैंडलिंग करनी है, क्योंकि मैंने जो एक अंडा इसमें से और एक अंडा ऊपर वाले से डाला था इसमें, तो अभी मैं जब थोड़ा सा जब शाम हो जाएगी जब कबूतर बंद करूँगा तब इसकी कैंडलिंग करूँगा मैं। मेल जो है जो वो उठा रहा है नस्टिंग मटेरियल वो इस बार इसका पेयर है और इसमें गया हुआ है और जाकर के नस्टिंग मटेरियल उठा रहा है, मैं दूर से बैठा हूँ ताकि अगर पास जाऊँगा तो डर जाएगा, तो अभी देखते हैं ले करके निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ऐसे वो नस्टिंग मटेरियल ही लेने गया है। सेंटिनेंट वाले ने उसको भगा दिया बाहर, कह रहा बाहर वो फिर से ये गया वो अंदर वापस से, अभी देखिए फिर जा रहा है सेंटिनेंट वाला आ रहा है उसके पास, ये उसको भगा दिया फिर से वापस से बाहर भगा दिया उसको। तो मैंने चेक किया तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि ये वाला ख़राब था और इस वाले में बच्चा था, तो अभी फिर से इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। अभी देखिए अगर आपको सही से दिख रहा हो इसमें तो दिख रहा है ना, तो ये वाला अंडा सही है और उसमें बच्चा है, ये देखिए ये ख़राब है, ये 100% ख़राब है, पूरा बल्ब के जैसे जल रहा है और यारा देखिए थोड़ा सा रेडिश टाइप में और नस भी इसमें दिख रही है और ये तो पूरा येलोइश है और बल्ब के जैसे जल रहा है, तो ये ख़राब है। सो ये थी आज की अपनी न्यू वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।